हाँ, आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है? आप अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों को देखकर थोड़ा घबरा रहे हैं, और आप आने वाली मुश्किलों को देख के रुक जा रहे हैं, थम जा रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। तो ये स्टोरी आपको है, ये स्टोरी आपको मुश्किल समय में हिम्मत देगी, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए आपको प्रेरणा देगी। आप सभी शायद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानते होंगे, सबसे लंबी दीवार है दुनिया की। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि दुनिया की सबसे दूसरी लंबी दीवार जो है वो हमारे देश में है? जी हाँ, ये राजस्थान में है, उदयपुर से 82 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ की जो चारों तरफ की दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, और इसका जो विथ है वो इतनी है कि इसमें 10 घुड़सवार जो है वो एक साथ चल सकते हैं। तो एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने बच्चों और अपने पति के साथ बैंगलोर से घूमने आई, और जब हम उदयपुर से 82 किलोमीटर ट्रेवल करके कुंभलगढ़ पहुंचे तो वहां देख के हम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये किला इतना विशाल है कि इसके अंदर जो है 350 के करीब मंदिर है। किले के अंदर 7 जो बड़े द्वार हैं। सबसे ऊपर जाने के लिए वहाँ पे एक बादल महल है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, बादलों को छूता हुआ, ये समुद्र से कुछ 1000 फुट की ऊंचाई पे था। तो जब हम मंदिर वगैरह देखने के बाद हम बादल महल को देखने जाने लगे तो रास्ते का थोड़ा बहुत घुमावदार था, मैं बीच बीच में गर्मी की वजह से थोड़ा थक रही थी, और मेरे बच्चे जो है काफी आगे आगे जा रहे थे, और वो बीच बीच में वापस आके मुझे बता रहे थे कि बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी दूर और है। और मैंने आने वाले लोगों से भी पूछा कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या वहाँ जाना सही है या मैं वापस चले जाऊँ? तो सबने बताया कि नहीं, आप एक बार ऊपर जाइए ज़रूर, और आपको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर मैं थोड़ा उत्साह के साथ आगे बढ़ गई, और थोड़ी दूर जाने के बाद भी जब बादल महल नहीं आया तो मैं फिर थोड़ा सा निराश हो गई। उस समय मेरे पति ने कहा, वो जो मेरे साथ चले थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज एक महात्मा बुद्ध की स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रामनगर नाम के एक गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी के कारण और बहुत तेज धूप होने के कारण जो उनके शिष्य थे वो थोड़ा थक गए थे, और उनको समझ नहीं आता कि रास्ता कितनी दूर है। ये शिष्य बहुत गौतम बुद्ध के आनंद भी उनके साथ थे। उन्होंने रास्ते में जाते हुए आनंद ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, रामनगर गांव कितनी दूर है? तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि बस पास ही है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति जो है वो महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराया, और महात्मा बुद्ध भी उसको देखकर मुस्कुराए। आनंद के मन में सवाल उठा कि ये आपस में मुस्कुरा क्यों रहे हैं, पर उससे पहले वो कुछ पूछ पाता वो सब आगे बढ़ गए। और थोड़ी दूर जाने के बाद जब फिर से गाँव नहीं दिख रहा था तो उन्होंने रास्ते में जाते हुए एक महात्मा से पूछा कि और कितनी दूर है? महात्मा ने कहा कि आप सही जा रहे हैं, 2-4 किलोमीटर दूर और है, पहुंच जाएंगे जल्दी। उसके बाद महात्मा भी गौतम बुद्ध को देख के मुस्कुराए, और गौतम बुद्ध भी महात्मा को देख के मुस्कुराए। आनंद के मन में पुनः ये क्वेश्चन आया कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, पर तभी सब लोग आगे बढ़ गए। अभी थोड़ी देर चलने के बाद फिर गाँव नहीं आया। अब उन्होंने एक बूढ़ी माता से पूछा कि गाँव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने बताया, बेटा तुम लोग बस पहुंच ही गए हो, अब गाँव कुछ ही किलोमीटर है, कुछ ही कदम है एक्चुअली। तो फिर से आनंद को लगा बस अब तो हम पहुंच ही गए, और फिर आगे बढ़ गए। अभी भी जब गाँव नहीं आया तो उसको थोड़ा क्रोध आ गया, उसने गुस्से में अपना सामान नीचे रखा और अपने गुरु महात्मा बुद्ध से पूछा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? तो गौतम बुद्ध ने कहा, अवश्य करो आनंद। तो उससे पूछा कि हम जिस गांव में भी जा रहे हैं वो हमें आगे बढ़ने की राह दिखा रहे हैं, लेकिन गांव तो भी नहीं आ रहा, और जो भी आपको मिल रहा है वो आपको देख के मुस्कुरा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? तो गौतम बुद्ध ने बताया कि ये जो गांव है रामनगर, मैं यहाँ पहले भी जा चुका हूँ, और ये गाँव कितनी दूर है ये मैं जानता हूँ, और राह में मिलने वाला हर व्यक्ति भी ये बात जानता है। पर हम जैसे उपदेश देते हैं सबको अपनी सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए, वैसे गांव वाले भी चाहते हैं कि हम हतोत्साहित ना हो, इसलिए वो भी हमें आगे बढ़ने का राह दिखा रहे हैं।
अब आनंद को तो बात समझ आई, वो मुस्कुरा दिया और सब आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में गांव आ गया और वो समय पे पहुंच गए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये शिक्षा मिली कि हमारे जीवन में हमें जैसे गांव वाले उनको प्रेरणा दे रहे थे, वैसे हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, तो हमें उनको संकेत समझने चाहिए। और ना कि हमें कई बार आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तो हमें उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो ये कहानी सुनते सुनते मुझे भी देखा कि मैं भी बस अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। बादल महल से मैं कुछ ही मीटर दूर थी और जब मैं वहां पहुंची तो वहां का दृश्य बहुत ही मनोरम था। वहां के हवा कमरे जो थे वो ऐसे डिजाइन किए हुए थे कि बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी, और जब मैं उसकी छत पे पहुंची तो अरावली की पहाड़ियां दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। तो साथियों, जब भी आपको राजस्थान जाने का मौका मिले तो आप भी जरूर जाइएगा कुंभलगढ़। और आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मार्ग में भी कभी कठिनाइयां आए, इस कहानी से शिक्षा लेना, अपने नेक्स्ट स्टेप को ध्यान देना और सफलता आप देखोगे कि आपके बहुत करीब है। आपको जरूरत है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखें कि हमारी मंजिल बस हमारे बहुत समीप है।